बात करेंगे अप्रैल के महीने में पांच ग्रहों का जबरदस्त राशि परिवर्तन हो रहा है। कुछ ग्रह उच्च के हो रहे हैं, कुछ नीच के हो रहे हैं, कुछ मित्र राशि में, कुछ शत्रु राशि में जा रहे हैं, यानी एक जबरदस्त तामझाम उनका अप्रैल में है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 अप्रैल को ऑलरेडी जो है 12:52 पे मीन राशि में जाकर नीच के हो चुके हैं, यानी लोगों की टेंशन डिप्रेशन एकदम से 2 दिन में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि कहा ही नहीं जा सकता। तो ये स्थितियां उनको रह सकती है 10 अप्रैल तक, 9:05 तक, जब मेष राशि में बुध द्वारा प्रवेश कर जाएंगे। सो जिनके भी बुध नीच के हैं या शत्रु राशि में, फौरन अपनी कुंडलियां दिखाकर उपाय करवाएं, तब तक हरी चीजों का दान करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें, उनकी मदद करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। फिर दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं कि 6 अप्रैल को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। पहले मकर में नीच के चल रहे थे, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे जिन महिलाओं की मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा तूफान हुआ है, जिन लोगों की सेहत की प्रॉब्लम हुई है, अब ये चीजें ठीक हो जाएंगी उनके लिए। तो तैयार रहिए बृहस्पति देव का स्वागत करने के लिए। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, और जिनके सूर्य अच्छे हैं ऑलरेडी, तो मेष राशि में उनके सूर्य आने के बाद उनको नेम फेम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलने वाला है, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने वाली है, तैयार रहिए। चौथे नंबर पर बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र अभी 10 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मीन से मेष में, यानी कि मंगल की राशि में पहुंच जाएंगे। 4 मई तक वहां पे रहेंगे, उसके बाद वृषभ में पहुंच जाएंगे, और यहां भी अच्छे हैं शुक्र। पहले तो उच्च के थे और लोगों की तो बस लॉटरी ही निकलनी शुरू हो गई थी, यानी कि चारों तरफ इतनी ज्यादा उनके ग्लैमर, उनकी जयकार, उनकी अट्रैक्शन, लेकिन जब से शुक्र के साथ अभी सूर्यदेव आ चुके थे, तो आने के बाद शुक्र अस्त हो गए थे, तो शुक्र का प्रभाव खत्म हो गया था एकदम से। वही 10 को प्रभाव कंपैरेटिवली बेटर होना शुरू हो जाएगा। फिर 5वें नंबर पे बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, हौसला देने वाले, हिम्मत देने वाले, एनर्जी देने वाले। 14 अप्रैल को वृषभ से निकल के मिथुन में पहुंच जाएंगे, और मिथुन में आने के बाद मंगल की स्थिति यह होगी कि जिन लोगों को गुस्सा आता है उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिनको चोटें लग रही हैं उनको चोटें ज्यादा लगनी शुरू हो सकती हैं, और जो लोग मंगलिक हैं, खास तौर पे मंगल जिनकी शत्रु राशियों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में बैठे हैं, तो उनकी लाइफ में एक बड़ा तूफान आ सकता है। तो इन चीजों को कैसे बेटर बना सकते हैं कि हम अपनी अपनी कुंडलियों को चेक करवा कर एक योग्य एस्ट्रोलॉजर को, तो उसके बाद हम फिर अपनी लाइफ को बेटर वे में ले जाएं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में ना रह सके। फिलहाल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल में, ये सूचना आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी जरूर दीजिएगा, और जिनके ग्रह खराब हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि ग्रहों के मुताबिक दान पुण्य करने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारी संस्था की तरफ से हमने यहाँ पे हर महीने 40 लोगों को राशन देने का प्लान किया हुआ है, पौधे भी हम बांटते हैं, तो आप भी जब भी हमारे पास कभी आएंगे तो आपके लिए एक पौधा नवग्रह दिव्या वनस्पति दल बिल्कुल फ्री होगा। और जिन लोगों की टेंशन डिप्रेशन की स्थितियां ज्यादा बढ़ गई हैं, तो घबराइए मत, हमारी विशेष धुनी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकती है, इसके साथ अगर आप गायत्री मंत्र को भी चलाते हैं। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया और सेम नाम से फेसबुक पेज, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हमसे मिलने के लिए टाइम लेके नाम नोट करा के आके हमें मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छुके जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों को बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।